हमारे इस मेला के दौरान 3 गाड़ी चोरी हुआ है। अच्छा। जिसमें कि एक बसुआ चक्का राजेश यादव। अच्छा। और एक मननपुर बस्ती का शिवू यादव। अच्छा। और एक मनोज शर्मा नाम के गोपाल साजन शर्मा नाम का है लड़का। अच्छा। गोपालपुर निवासी है, उसका भी गाड़ी चोरी हुआ है। लाछो मिस्त्री का जो है बंगला था। अच्छा। वहीं पे गाड़ी हम लोग का लगा हुआ था। अच्छा। तो तीनों आदमी का गाड़ी चोरी। हाँ, तीनों आदमी का। 100 मोटरसाइकिल लगभग वहाँ था। अच्छा। उसमें से 3 गो गाड़ी, एगो मेरा, एगो मननपुर बस्ती का शिवू यादव है उनका था। अच्छा। एगो अथी गोपालपुर का कोई ठाकुर जी हैं एगो। अच्छा। उनका 3 गाड़ी था। आपका भी स्वागत है। क्या जानकारी देंगे सरपंच साहब की, मेला के बारे में आपने बोले थे कि वहाँ पे अश्लील गाना नहीं बजेगा, ऑर्केस्ट्रा नहीं आएगा, लेकिन वो भी आया, अश्लील गाना भी बजा, वहाँ पर 3 गाड़ी का चोरी भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे इस महोत्सव में जी जो हम लोग का लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा। वह तो बिल्कुल सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मना ही रहता है। अच्छा, अच्छा। प्रतिबंध रहता है जी, जी, जी। लेकिन उसके बावजूद भी सभी चारों गांव के लोग, युवा साथी, हम लोग कमेटी का बात नहीं मानकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम करवाए थे जी, जी। यह भी सही है जी, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। सांस्कृतिक प्रोग्राम में जागरण का प्रोग्राम किया गया, जिसमें कि भक्ति गाना बजाया गया, और उसी पर जो है हमारे चारों गांव के महिला पुरुष रात भर आनंद लिए, और लड़ाई झगड़ा की बात रह गई तो हमारे 3 दिवसीय मेला में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण से हमारा मेला समापन। बाइक चोरी कैसे हुआ सर, इसके बारे में? अब देखिए, बाइक चोरी की बात कहते हैं तो घर के नज़दीक में भी लगा हुआ गाड़ी चोरी हो जाता है, अधिकारी का गाड़ी चोरी हो जाता है। हाँ, जो मुझे जानकारी मिली है। तो तीनों का गाड़ी अब चोरी हो गया सर, पता अभी तक चला है, उन तीनों का गाड़ी अब मिलेगा सर? नहीं, ये देखिए, अब पुलिस अनुसंधान कर रही है। अगला जिसका गाड़ी चोरी हुआ है वह आदमी थाना में आवेदन भी दे चुके हैं। अभी तक सर जो पता चला है कि काली पूजा बहुत दिनों से यहाँ पे चल रहा है, हर साल के भांति कुछ न कुछ हो ही जाता है सर। अभी इस बार मान लीजिए कि गाड़ी तो चोरी हो गया जी, बहुत पहले भी ये पता चला था कि यहाँ पे लड़ाई हो जाता है, तो फिर कैसे लगता है इस सब चीज़ों को कैसे रोक पाएंगे? ठीक है, अगले बार से इस चीज़ पर हम लोग कमेटी खुद जो है निगाह करेंगे और सोचेंगे कि एक गाड़ी लगाने के लिए एक स्टैंड हम लोग तैयार करेंगे अलग से। अच्छा, अच्छा। जो कि सभी जो भी आएंगे मेला में। अच्छा। गाड़ी से, बाइक से, उनका गाड़ी स्टैंड के माध्यम में जमा होगा और उनको पुर्जी दिया जाएगा। अच्छा। वह पुर्जी के माध्यम से ही फिर उनको गाड़ी पुनः वापस मिलेगा जी, जी। ठीक है, तो आप तीनों के लिए क्या कर रहे हैं, उन लोग के न्याय के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों के न्याय के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो जो भी कुछ करेंगे प्रशासन ही करेंगे। आप तो हेल्प करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, आगे व्यवस्था भी करेंगे, आगे साल जो होगी। अच्छा। इससे मतलब जरूर ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा हम लोग का कमेटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग ढीला व्यवस्था नहीं करते हैं, जब भी करते हैं तो मतलब चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहता है। जैसे देखिए, हमारे प्रशासन की ओर से भी बहुत मुझे मदद मिला, इसके लिए मैं सभी प्रशासन के लोग को भी, मैं अधिकारी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासकर रेल अधिकारी जो हैं वह भी हमारे मेला में सभी माँ बहनों को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में केवल मननपुर बस्ती गांव, ये चारों गांव में मननपुर बस्ती गांव ऐसा है कि जो कि सभी माँ बहन को रेलवे लाइन पार कर मेला में शरीक होना पड़ता है, इसलिए हमारे झाझा RPF इंस्पेक्टर महोदया जी अपने से खुद उसका निगरानी किए थे। प्रशासन का सहयोग पूरा मिला जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, प्रशासन का सहयोग था, फिर भी 3 गाड़ी चोरी हुआ, लड़ाई तो नहीं हुआ जो सरपंच साहब के माध्यम से हमको जानकारी मिला, इसलिए फिर हम लोग जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जय हिंद, जय भारत।